हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक जैन, वेलकम टू फिजिक्सॉलिक्स। तो भाई आज का ये वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है ना। कई बच्चों को डाउट होता है कि हमको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, हमारी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, है ना। वीक में कितने मॉक टेस्ट दें, हर रोज दें, हर अल्टरनेट डे दें, या फिर कैसे दें। और इसका ऑफकोर्स एक आंसर नहीं होता, क्योंकि हर एक बच्चे की प्रिपरेशन अलग अलग लेवल पे। तो हम इसको किस तरह से डिसाइड करें, इस वीडियो में हम देखने वाले। छोटा सा वीडियो होने वाला है, फटाक से खत्म करते हैं इसको। तो देखो यार, इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है ना कि तुम्हें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स फटाक से कवर कर देता हूँ। ऑल दो स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स अब नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट क्विकली मैं बता देता हूँ। देखो यार, जब तुम अपना स्टार्ट करते हो पढ़ाई करना, है ना हो सकता है तुम 11 12th वाले स्टूडेंट हो सकता है तुम ड्रॉपर हो, तो उस समय तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, तो उस समय मंथ में एक या दो टेस्ट काफ़ी होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने चाहिए ना, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है ना। और पहले हम अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो स्टार्टिंग में इतना काफ़ी होता है ना तुम्हारी प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए। पर जब हम अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं और हमारा पहला रिवीजन चल रहा होता है ना, तो हम बताए यूनिट वाइज टेस्ट देते ना कि एक बार ये दो हफ्ते में मैकेनिक्स कर लिया, फिर मैकेनिक्स कर दिया, फिर ऐसे ऐसे कर लिया, तो उस समय जनरली वीक में एक टेस्ट काफ़ी होता है ना, ठीक है। पर ये दोनों पॉइंट अब के निकल चुके हैं ना, ये दोनों पॉइंट निकल चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि अब कुछ दिन में ही एग्जाम है ना, बहुत ही कम वीक्स बचे हुए हैं। और साथ में आई होप हर एक स्टूडेंट इस लेवल तक पहुंच गया होगा, है ना, मतलब उसका एक रिवीजन, एटलीस्ट एक रिवीजन अच्छे तरीके से खत्म हो चुका होगा ना। तो अब तुम्हारा भाई सिलेबस हो चुका है, तुम्हारा रिवीजन भी हो चुका है, तो अब तुमको क्या करना चाहिए ना, ठीक है, अब तुमको क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो, जो तुम्हारे टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब तुम कितने टेस्ट देते हो, है ना पर वीक, है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन द मॉक टेस्ट दैट यू आर गिविंग। जैसे मान लो जो कोई बच्चा है यार, वो कह रहा है यार सर, मैं जितने भी मॉक टेस्ट देता हूँ, हर टेस्ट में मेरे आ रहे हैं सर, मेरे हर टेस्ट में 680 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं सर, हर टेस्ट में आते हैं, कोई भी टेस्ट दे दूँ, हर टेस्ट में मेरे 680 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं 720 में से, है ना। तो भाई अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही है, तो इसको तो यार हर रोज़ देना चाहिए, मतलब उसके लिए तो, क्योंकि जब वो 680 मार्क्स इतना स्कोर कर पा रहा है, मतलब उसकी छोटी मोटी गड़बड़ हो रही है, उसकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीटेड है, उसके सारे टॉपिक सही आ रहे हैं, सिली मिस्टेक वगैरह कहीं ना कहीं नंबर जा रहे हैं, है ना। तो रोज 3 घंटे का पेपर दो, उसके बाद 1 घंटा टेस्ट एनालिसिस करो ना। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म मैंने शेयर करा है उसके थ्रू, है ना, और उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, डिटेल टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो देख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा मार्क्स में प्लेटो आ चुका है, एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस, सही ढंग से टेस्ट एनालिसिस करना, आइडेंटिफाई करना और उसको रिजॉल्व करना, तो वो वीडियो देख लेना अगर किसी को नहीं आता है ना, और वो मैंने फॉर्म भी शेयर कर रखा है, तो वो टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर करो, है ना। रोज 3 घंटे का पेपर है ना, 3 घंटा 20 मिनट, और फिर 1 घंटे का तुम्हारा वो है ना टेस्ट एनालिसिस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। और याद रखना, जो पेपर दे रहे हो वो नीट के टाइम पे ही देना है ना, 2 to 5 PM, है ना, ताकि तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए, ये भी अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मान लो इसमें तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा, अब कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं वो कहेंगे सर हमारे मार्क्स जो आ रहे हैं वो 650 से 680 के बीच में कहीं अटक जाते हैं ना, ठीक है। तो यार तुम्हारे लिए मतलब अल्टरनेट डे हो सकता है ना, हर एक दिन छोड़ के एक दिन देते रहो ना, अब वो भी डिपेंड करता है ना, अल्टरनेट डे दे सकते हो तुम, है ना। जो बंदा 650 ला रहा है वो कहेगा हर अल्टरनेट डे दे लो, अब कोई है कि सर मेरे 670 के अराउंड आते हैं ना, तो वीक में 4 या 5 दिन भी दे सकते हो ना, वो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारे लिए क्या सूट कर रहा है ना, मतलब तुम्हें देखना है। जैसे अगर तुम्हारे 650 मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी तुम्हारे 70 मार्क्स लूज हो रहे हैं, तो क्यों लूज हो रहे हैं, क्या तुम्हारा कोई चैप्टर ही पूरा छूटा हुआ है फिजिक्स में या बायो में या केमिस्ट्री में, तो यार उसको कवर कर लो यार, तुम उसको कवर कर सकते हो क्विकली, है ना, उसको क्विकली कवर कर सकते हो अगर तुम इतना ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो, मतलब उसी चीज के कारण अगर तुम्हारे मार्क्स जा रहे हैं। अगर तुम्हारा ये है कि सर कंप्लीटेड तो सब कुछ है, पर कुछ तरह की गलतियां हो रही है, सर्टेन टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स गलत हो जाते हैं कि भाई ऑप्टिक्स का इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो मेरा बार बार गलत हो जाता है, तो उन चीज़ों पे काम करके उनको सुधार लो, है ना, क्योंकि अभी अच्छे खासे सुधार की जरूरत है, तभी तुम्हारे 70 मार्क्स लूज हो रहे हैं ना। हो सकता है किसी एक ही सब्जेक्ट में लूज हो रहे हैं, तो उसमें वर्क करो, है ना, इंप्रूव करो। तो अभी एवरी अल्टरनेट डे इज ए गुड नंबर, है ना, क्योंकि बाकी टाइम तुम्हें पढ़ाई करके इन वीक एरियाज को इंप्रूव करना है, ठीक है। अब जो बच्चे हैं भाई, कोई बच्चे कहेंगे सर हमारे तो 600 से 650 के बीच में अटक रहे हैं नंबर, है ना, ठीक है यार, तो तुम क्या कर लो, एवरी थर्ड डे कर सकते हो तुम, है ना, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, राइट, है ना। अब तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारे लिए क्या काम करता है, बट जनरली दिस इज ए गुड नंबर, है ना, क्योंकि अभी तुम्हारे 600 तक नंबर जा रहे हैं ना, यू आर लूजिंग 120 मार्क्स, तो अच्छे खासे लूज कर रहे हो तो मार्क्स, बहुत सारे मार्क्स लूज कर रहे हो, मतलब वहाँ पे बहुत स्कोप है जो तुम इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब अभी तुम्हारी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, कई कॉन्सेप्ट्स, कई टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हें क्लियर नहीं है, जिसके कारण तुम मार्क्स लूज कर रहे हो। तो यार हर तीसरे दिन एग्जाम दो, बाकी टाइम अपनी पढ़ाई करो, उन टॉपिक्स इंप्रूव करो, है ना, हर तीसरे दिन एग्जाम देकर आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे कहाँ नंबर जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, है ना, ये करना पड़ता है, ये हमें आइडेंटिफाई करके करना पड़ता है, तभी हमारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं, वरना अगर 600 आ रहे हैं तो 600 पे अटके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे ना, ठीक है। अब भाई जो बच्चे 600 से कम जा ला रहे हैं, है ना,
तो भाई तुम्हारे लिए तो यार मतलब वंस और ट्वाइस ए वीक बहुत है यार, मतलब है ना, क्योंकि अभी तुम्हारे अच्छे खासे है, क्योंकि तुम्हें बाकी टाइम पढ़ाई करके इंप्रूव करना है। देखो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नंबर नहीं आ रहे होते कि रोज बैठ के मॉक टेस्ट दिया जा रहे हैं, हमारे नंबर आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, नंबर नहीं आ रहे मतलब बहुत कुछ मिसिंग है यार, तभी नहीं आ रहे ना नंबर। अब रोज मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, है ना, तो वंस और ट्वाइस ए वीक बहुत है, इसमें अपना मॉक टेस्ट दो, अपना एनालिसिस करो और जहाँ गड़बड़े उसको इम्प्रूव करो, है ना, ठीक है। पर इसी के साथ एक चीज़ और मैटर करती है ना, ये तो मैंने एक आइडिया देने के लिए तुमको कहा ना कि कितने मॉक टेस्ट तुमको देने चाहिए ना, ठीक है। यार देखो जिन लोगों के मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे, 400-500 वगैरह पे अटक रहे हैं ना, तो यार अभी तो मतलब ठीक है मॉक टेस्ट दो, एक दो है ना, हफ्ते में एक दो ही बहुत होते हैं ना, क्योंकि बाकी टाइम तुमको इम्प्रूव करना है यार, अभी तुम्हारा बहुत कुछ मिसिंग है और वो तुम्हें पढ़ के इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से कुछ ज़्यादा नंबर नहीं आने वाले, ऐसा नहीं होने वाला ना, ठीक है। मतलब मॉक टेस्ट एक पार्ट है प्रिपरेशन का, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पर वो एक पार्ट है, तुम बाकी पार्ट को मिस करके सिर्फ इसको करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगली चीज, जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम पास आते हैं ना, जैसे अभी कुछ वीक्स ही बचे नीट में ना, ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे होते हैं तो ये ध्यान रखो, योर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना। अपना एन क्या है भाई, कितने दिन बचे एग्जाम, है ना, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इन एग्जाम, ये हर एग्जाम के लिए ट्रू है ना, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम पास आते जाते तुम्हारी प्रिपरेशन भी कंप्लीट है ना। अब तुम्हें है ना, जैसे अभी 2-5 हमारा एग्जाम होने वाला है, तो तुम्हें हर रोज बैठ के 2-5 एग्जाम देना चाहिए ना। अभी जो वक्त है, जैसे लास्ट के जो 2-3 हफ्ते बचे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना, वो तो बच्चे अभी कई दिनों टाइम से कर रहे हैं, रोज देने ना, तो मैं कह रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही है, अभी जैसे एग्जाम आने वाले ना, जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है लगभग हर रोज एग्जाम दो ना। और बाकी बच्चे जो हो सकते हैं भाई, वो वीक में 2-3-4 डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स तुम स्कोर कर रहे हो दो, पर अभी ये वो टाइम है जब जहाँ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, स्पेशली जब तुम्हारा लास्ट वीक बचेगा है ना, तो जैसे 17 का एग्जाम है तो 16 छोड़ दो है ना, तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 इनमें तो हर रोज ही मॉक टेस्ट देना, और ये लगभग हर एक इंसान को करना चाहिए, है ना। अब तो ये हर एक इंसान को करना चाहिए, एनीवन हु इज स्कोरिंग लेट्स से मोर देन 600, क्योंकि अब तुम्हें जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया है ना, अब तुम्हें अपनी वो बायोलॉजिकल क्लॉक और अपने आपको बिल्कुल सेट करना है कि एग्जाम में जाके जब तुम 3 घंटे बैठोगे तो तुम बिल्कुल 100% फोकस के साथ एग्जाम दे पाओ ना। और अभी तुम जब हर रोज दोगे लास्ट की वीक में, तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, जो तुम गलतियां कर रहे हो उनको इंप्रूव कर पाओगे ना। तो मतलब जब तुम 17 जुलाई को जाओगे तो तुम वो फील नहीं करोगे कि तुम डर रहे हो या फिर तुम्हें अजीब अजीब सा फील हो रहा है, यार एग्जाम आ गया, प्रेशर आ गया, पसीने छूट रहे हैं ना, क्योंकि जब तुम हर रोज वो चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसके लिए एडप्ट, मतलब तुम्हारी बॉडी और मेंटल स्टेट सब कुछ उसके हिसाब से एडप्ट कर जाता है ना। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस, है ना, क्योंकि वाली क्वेरी मुझे बहुत आ रही थी, कितने एग्जाम दे सर, कितने एग्जाम दे, और मैं कोई एक नंबर नहीं बता सकता ना, जब तुम आगे मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कितने एग्जाम दे और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, है ना। बट मैंने तुम्हें बता दिया, बेस्ट ऑन दैट यू कैन डिसाइड योर सेल्फ, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ मॉक टेस्ट देने, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके कुछ नंबर नहीं आ रहे होते, उन्हें टॉपिक नहीं आते, कुछ नहीं आता, लगे रहते मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट का पार्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा भाई, तुम लोग तो 2022 में जाके एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम कोई, इफ़ यू नो एनीवन जो नीट 2024 या 2023 में देने वाला है, तो उनके न्यू बैचेस आ रहे हैं, मेक श्योर कि अपने छोटे भाई बहन और अपने जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म करो। 1 जुलाई से आ रहे हैं भाई ये बैच नीट 2024 का, हमारी पूरी टीम, आई थिंक सभी लोग जानते हैं, कोटा के सारे टॉप टीचर्स है ना, ठीक है। और जो बच्चे 20 जुलाई से हमारा एक बैच आएगा नीट 2023 ड्रॉपर के लिए ना, तो अगर तुम किसी स्टूडेंट्स को जानते हो है ना जो 12th पास करके ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर जो भी ड्रॉपर है, तो उनके लिए 20 जुलाई से आएगा, मेक श्योर यू इन्फॉर्म देम, है ना, ठीक है। और जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, माय रेफरल कोड इज फिजिक्स लैब, है ना। इस कोड को यूज करने से तो मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहेगी, होगी तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन, तो मैं मेरे प्रायोरिटी ग्रुप वगैरह में ऐड कर दिया जाएगा, राइट, है ना। ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा नंबर वगैरह, है ना। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई नंबर, है ना, माई व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल, व्हाट्सएप करना, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स टेलीग्राम पे आ जाते हैं। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, अनअकैडमी पे मैं बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, मतलब हर रोज मेरी अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस होती है लगभग हर रोज, विच आर आस्क मी एनीथिंग सेशन, जहाँ पे आके तुम मुझसे वॉइस कॉल पे बात कर सकते हो ना, कोई भी कर सकता है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, है ना, ठीक है। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो भाई, ये सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बाय बाय। कोई और क्वेरी हो तो भाई बता देना, है ना, ठीक है। मैं महीने में एक ही वीडियो बना पाता हूँ ना, पर मैं कोशिश करूँगा अभी तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस बना पाऊँ, तो जो भी क्वेरी है कमेंट में लिख देना भाई, आई ट्राई टू क्लेरिफाई। चलो बाय बाय, सी यू, मेक श्योर इफ यू लाइक इट, शेयर वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। चलो बाय बाय।